जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। गुरुस्थान विवेचन पेज नंबर 262, पहला परिशिष्ट। और इस पहले परिशिष्ट के माध्यम से अपन यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण को समझ रहे थे, जीव ही बलवान है कर्म नहीं। इस प्रकार का जो प्रकरण है उसके कल हमने काफ़ी रूपक को प्रस्तुत करते हुए भी, काफ़ी उदाहरण को समझते हुए भी, ये प्रकरण का उद्देश्य क्या है, ये किस लिए कहा गया है, ये सारे विषय कल हमने छुए थे और इन सारे विषयों को हमने कल यहाँ पर समझा था। अभी हम लोगों ने जो मंगलाचरण में छंद बोला ना, और कई सारे आप मेरे भाइयों ने निबंध भी लिखा होगा, हमारे निबंध का भी विषय ये था। क्या था हमारे निबंध का विषय? प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। हालांकि मैं उस निबंध का विषय वस्तु तो आपको नहीं बता रहा, लेकिन एक छोटा सा एक पॉइंट बताता हूँ चूँकि मेरे विषय से संबंधित है। आपको पता है कर्म व्यवस्था जो है या कर्म सिद्धांत जो है वो ऐसा नहीं है कि मात्र जैन आगम में प्रतिपादित हो। कर्म सिद्धांत को दुनिया में बहुत सारे लोगों के माध्यम मुंह से आप सुन सकते हैं, जो आपको कर्म के बिलीवर लगेंगे, कर्म को मानने वाले होंगे, जो कर्मों की सत्ता और अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन 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 अब आपको पता है यहीं से हमारे जैन धर्म की महानता प्रारंभ होती है, क्योंकि हम न्याय भी पढ़ते हैं, हम अन्य दर्शनों को भी पढ़ते हैं। आप लोग इस चीज़ को फाइंड आउट करना, और आप मैंने भी देखा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्यों हमारा धर्म महान है। जिस तरीके के कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन हमारे जैन ग्रंथों में मिलता है, हमारे जैन आचार्यों ने जिस तरीके से किया है, वह कर्म का प्रतिपादन, कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन कहीं नहीं मिलता। उल्टा फुल्टा, मतलब उल्टा फुल्टा तो मैं कहूँ, बहुत मिसगाइड हो जाते हैं। देखो मैं आपको बताऊं, जैसे एक ओर तो कहते हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, कि कर्म का ही अधिकार है, कर्म ही करते जाओ। गीता में भी बराबर लिखा है, हम लोग भी उसको पढ़ते हैं, ये क्या लिखा है कि बस कर्म करते जाओ, कर्म करते जाओ। तो हमें लगता है जो कर्म सिद्धांत का प्रतिपादन है, कर्मा 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 के बारे में बताया गया है, वहीं दूसरी ओर कहते हैं कि भगवान सब कुछ करने वाला है। अब देखो ये दोनों जगह विरोध नहीं खड़ा होता, एक जगह तो कहते हैं कि कर्म करते जाओ और दूसरी जगह कहते हैं कि कौन करेगा बेटा, सब भगवान ही करने वाले हैं, तेरी मर्जी से कुछ नहीं होने वाला। तो मुझे करना है कि भगवान को करना है, एक बात बता दो। अगर मुझे करना है तो मैं करूं और भगवान को करना है तो भगवान करें। आप एक साइड तो बोलते हो कि कर्म करते जाओ, दूसरी साइड बोलते हो कि भगवान करेंगे। तो एक बार भगवान और आप लोग मीटिंग करके बराबर डिसाइड कर लो ना कि किसको करना है, मुझे करना है कि भगवान को करना है। तो कुल मिला के मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो मैं आपको थोड़ा और भी हिंट दे देता हूँ, हम लोग और आप सभी लोग कर्मों की 10 अवस्थाओं को भी बराबर थोड़ा बहुत हमने अध्ययन भी किया है, बंध, सत्ता, उदय, उदीर्णा, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, निदत्ति, निकाचित, ये शब्द भी आपको सुनने को नहीं मिलेंगे अन्य धर्म में। ये शब्द भी आपको सुनने को नहीं मिलेंगे कि क्या होता है निदत्ति, क्या होता है निकाचित, क्या होता है संक्रमण, क्या होती है उदीर्णा, ये कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। कर्म है लेकिन वे 8 होते हैं, उनका विभाजन कैसा है, उनका उदय कैसा आता है, उनका बंद कैसे होता है, उनका स्वरूप क्या है, वे कितने, उनका मतलब स्वरूप क्या है, जो कल थोड़ा बहुत भी हमने देखा था। कुल मिला के मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब देखो देखो, अगर कोई भी क्षयोपशम ज्ञानी होता, अब इसी से हमें ये समझ में आ जाता है कि हमारा जो जैन धर्म है वो केवली द्वारा प्रतिपादित है। सोचिए केवल ज्ञानी के बिना ये विषय कौन बता सकता था, कर्मों का उदय, कर्मों का बंद, कर्मों की उदीर्णा, कर्मों का उत्कर्षण, कर्मों का अपकर्षण, ये केवल ज्ञान के अभाव में ये संभव नहीं था। ये मति, ये मतलब मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, ये मति शुद्ध ज्ञान की उपज नहीं है, ये मतलब हमारे आचार्यों की या किसी भी छद्मस्त व्यक्ति की उपज नहीं है, ये किसी केवल ज्ञानी की उपज, उनकी भी उपज नहीं है, उपज तो उनकी भी नहीं है, लेकिन उनके द्वारा प्रतिपादित है। अन्य धर्मों में इसलिए नहीं मिलता क्योंकि वे केवली द्वारा प्रतिपादित नहीं है, उनके ईश्वर, उनके भगवान केवली नहीं है, वे सर्वज्ञ नहीं है। और हमारे ग्रंथ में,
हमारे धर्मों में और हमारे शास्त्रों में इसलिए मिल जाता है क्योंकि हमारा जो धर्म है वो केवली द्वारा प्रतिपादित है, सर्वज्ञ प्रणीत है हमारा धर्म। इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट इस कर्म, अभी चूंकि अपन कर्म के बारे में भी पढ़ रहे हैं, इतना विस्तृत खुलासा अपन को कर्म के बारे में अपने यहाँ ही मिलता है। तो साहब अपना प्रकरण तो ये चल रहा था कि जीव ही बलवान है, कर्म नहीं। तो कल मैंने आपको जो पॉइंट समझाए थे, मैं जल्दी से एक एक मिनट में उनका रिवीजन करते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। कल हमने दो तीन पॉइंट्स देखे थे, ज़्यादा कुछ समझा भी नहीं था। सबसे पहली बात हमने ये देखी थी, इस विषय वस्तु को समझने से पहले हमें वस्तु स्वरूप समझना पड़ेगा, और वो वस्तु स्वरूप ये था कि भाई वस्तु स्वरूप के हिसाब से देखा जाए तो ना तो जीव बलवान है ना कर्म बलवान है, ना जीव कमजोर है ना कर्म कमजोर है। जीव भी एक द्रव्य है, कर्म भी एक द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। और जैन धर्म और दर्शन की स्पष्ट मान्यता है कि कोई भी द्रव्य अन्य द्रव्य से कमजोर नहीं है और ना ही बलशाली है, सभी द्रव्य समान है, सभी में अनंतानंद गुण, अनंतानंद शक्ति, अनंतानंद धर्म है। इसीलिए अगर वस्तु स्वरूप के अनुरूप देखा जाए तो कोई बलवान और कोई कमजोर नहीं है। बस ये तो हुआ वस्तु स्वरूप, ठीक है। अब इसको साइड में रखते हुए मैंने आपको ये भी बताया था, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि जीव बलवान है? फिर तो ये आपका ये टॉपिक ही खराब हो गया, पूरा टॉपिक ही रद्द करा जाता है फिर आज का प्रवचन। तो फिर तो जीव ही बलवान है, कर्म नहीं, इसको कहने का उद्देश्य अब यही स्यादवाद है। हम ये अब देखो मैं आपको ये बताता भी हूं, हम तो ये कह सकते हैं, देखो क्यों कह सकते हैं, हम एक जगह कह सकते हैं कि कर्म ही सब कुछ करने वाले हैं और हम एक जगह कह सकते हैं कि कर्म कुछ नहीं करने वाले। अच्छा तो आपकी घर की खेती आप कुछ भी कहो, हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास स्यादवाद है, और आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपके पास स्यादवाद नहीं है। और अगर आप स्यादवादी हो गए तो जैन धर्मावलंबी कहलाओगे। हमारे जैन ग्रंथों में, जैन शास्त्रों में इस प्रकार के विरोधी कथन मिलते हैं और हैं, क्योंकि हमारा स्यादवाद, हम स्यादवादी हैं। स्यादवाद की आचार्य अमृतचंद तो बार बार ये कहते हैं कि स्यादवाद की उससे स्टैंप से अंकित है हमारी, हमारी जिनवाणी जो है वो स्यादवाद से मुद्रित है। तो हमारी जिनवाणी तो स्यादवाद से मुद्रित है, तो इसीलिए ये कथन तो प्रयोजन परक होते हैं। तो मैंने कल आपको प्रयोजन भी बता दिया था, क्या प्रयोजन था ये कहने का कि जीव ही बलवान है। तो आप लोगों को ध्यान भी होगा, कल हमने एक अखाड़े का एक दृश्य देखा था जहां पर कर्म एक पार्टी था और जीव एक पार्टी था। तो वस्तु स्वरूप के अनुरूप देखा था तो दोनों पहलवानों में कोई कमी नहीं थी, लेकिन हमारी एक पार्टी थोड़ा लूज होती चली जा रही थी, वो डीमोटिवेटेड होती चली जा रही थी। तो उसको उत्साह भरने के लिए या जीव को समझाने के लिए, उसकी गलती बताने के लिए यहाँ, या जो जीव, जो व्यक्ति अपन या अपने आप को कमजोर माना बैठा है और अपनी शक्ति और सामर्थ्य को नहीं समझ पा रहा है, उसको समझाने के लिए ये विषय वस्तु का प्रतिपादन किया गया कि तुम बलवान हो, सामने वाला तो कुछ नहीं है। अच्छा साहब आप कितनी भी बातें कह लो, लेकिन क्या अपने जैन शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा जाता कि कर्म बलवान है? आप उस बात को कैसे मना कर सकते हो? अपने ही आचार्यों ने लिखा है कि देखो कर्मों का महानता, कर्मों का उदय, कर्म उदय आया तो कर्म ही बलवान है, कर्म ही बलवान है। तो आप क्या उस चीज को मना करते हो? आप जैन आचार्यों से मना कर रहे हो अपनी बात को बोलने के लिए? क्या आप जैन आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित जो बात है कि कर्म बलवान है, तो आप क्या उसे मना, आप मानते नहीं हो क्या उस बात को? आपको स्वीकार नहीं है क्या? देखो उसका भी एक प्रयोजन है। जिस प्रकार से अभी यहाँ पर जो विषय वस्तु प्रतिपादित की जा रही है उसका प्रयोजन मैंने आपको क्लियर किया, अब मैं आपको वो विषय वस्तु भी क्लियर कर देता हूँ जो हमारे जैन आचार्यों ने कहा। हमारे आचार्यों ने जैन शास्त्रों में ही ऐसा क्यों लिखा कि कर्म बलवान है? अब मैं आपसे वही कहता हूँ, हमें मिसगाइडेड होने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ तो स्यादवाद है, ये प्रयोजन परक कथन है और ऐसे ही कथन करे जाएंगे और ऐसे ही कथन किया जाता है। उनके यहाँ कहीं तो कर्म को बलवान, कहीं ईश्वर को बलवान, तो वे तो नहीं कह सकते क्योंकि उनके यहाँ स्यादवाद नहीं है। यहाँ कहीं कर्म को बलवान भी कहा जाएगा, कहीं जीव को भी बलवान कहा जाएगा। तो मैंने आपको बताया अभी जीव को बलवान कहने का कारण, अब कर्म को क्यों बलवान कहा जाता है साहब, उसका भी कारण है। क्या कारण है? इसका सहज ही साइकोलॉजिकल कारण है। जैसे होता क्या है, अभी मैं फिर से वही अपना जो दंगल लग रहा था, अखाड़ा चल रहा था, आप लोगों को कुछ और याद आ गया होगा, तो अभी यहाँ जो अपना अखाड़ा था जीव और पुद्गल का, तो जीव और पुद्गल में जो लड़ाई हो रही थी, आपको पता है कई बार हमारे अंदर उत्साह भरने के लिए सामने वाली पार्टी को बहुत ताकतवर बताया जाता है,
ऐसे अभी थोड़े दिनों पहले ही हमारे कॉम्पिटिशन्स हुए हैं ना, साहित्यिक सप्ताह भी हुआ और खेलकूद का भी हुआ। हमारे अंदर उत्साह भरने के लिए कई बार हमसे ये भी कहा जाता है, स्ट्रांग है, अच्छे से खेलना, उसको कमज़ोर मत समझना। ऐसा कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है, ताकि हम अपनी तैयारी अच्छे से करें। आपको पता है हमसे भी ये बात कही जाती है कि सामने वाला स्ट्रांग है, उससे उसके अच्छे से खेलना। ये नहीं कि तुम सोचो कि चलो हो जाएगा काम। हम अच्छे से खेलें, हम अपने अंदर सावधानी बरतें, इसके लिए भी कई बार हमसे सामने वाली की ताकत को बताया जाता है। ये सहज साइकोलॉजिकल रीजन है। ऐसे ही जीव अपनी साधना में कहीं कमजोर ना हो जाए, या जीव कहीं स्वच्छंदी ना हो जाए, जीव कहीं अपनी मेहनत में ढिलाई ना करने लग जाए, कम मेहनत ना करे, उसके लिए सामने वाली पार्टी जो कर्म है उसको बलवान बताया गया। कुल मिला के मैं आपको एक लाइन में फिर से समराइज कह देता हूं जो इतना डिटेल मैंने आपको किया। कहीं हमारे जीवन में स्वच्छंदता, कहीं हमारे जीवन में अयतनाचार, कहीं हमारे जीवन में कहीं किसी भी तरीके से हमारे मोक्ष मार्ग के प्रति ढिलाई ना हो जाए, या हम कम मेहनत ना करने लगे, या हम उसको नेग्लेक्ट ना करने लगे। इसीलिए सामने वाली पार्टी जो कर्म है उसको बलवान बताया गया, ताकि हम अपनी कोई भी कसर ना छोड़ें। ये सहज मनोवैज्ञानिक कारण है। तो हमारे जैन आचार्यों ने भी जैन ग्रंथों में जो कर्मों को बलवान कहा है, उसका कारण ये है ताकि कर्मों को बलवान समझकर हम और मेहनत करें, ना कि ये कि कर्म बलवान है तो अपना पुरुषार्थ ही छोड़ दें। ठीक है, तो मैंने आपको इसका साइकोलॉजिकल रीजन भी दे दिया, जो हम आए दिन प्रयोग भी करते हैं, हर जगह प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से हमने ये देखा, हमारे ही जैन ग्रंथों में प्रयोजन परक जीव को भी बलवान कहा जाता है, और हमारे ही जैन ग्रंथों में कर्मों को बलवान बताया जाता है। कर्मों को बलवान कहने का क्या कारण है वो हमने देखा, और जीव को बलवान कहने का क्या कारण है वो भी हमने देखा। ये दोनों प्रकरण को देखने के बाद अब यहाँ पर अपन जो प्रकरण समझ रहे हैं, वो प्रकरण ये है कि हमारी पार्टी जो है वो कमजोर हो रही है। उस पार्टी को क्यों, हम खुद अपने आप को कैसे जागृत करें, इसके लिए यहाँ पर हमें प्रेरित करने के लिए यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जो विषय वस्तु है वो विविध आचार्यों और विद्वानों के माध्यम से और युक्ति और तर्क के माध्यम से कैसे इस बात की सिद्धि होती है वो अपन देख रहे थे। तो कल हमने यहाँ पर 3 पॉइंट्स देखे थे, अब हम उन 3 पॉइंट से आगे आज 4th पॉइंट्स के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, पेज नंबर जिनके पास हो तो वे पेज नंबर 262 निकाल लीजिए। 4th पॉइंट, इस आत्मा में जो राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है, उसमें पर द्रव्य का कोई भी दोष नहीं है, वह तो स्वयं जीव ही अपराधी है। कितना क्लियर कट आचार्य अमरचंद देव ने समय सार के कलश 220 में ये लिखा। कल मैंने जाते जाते भी आपको कहा था, आपको पता है इस दुनिया की सबसे इजीएस्ट जॉब क्या है, अपनी की गई गलतियों को दूसरे के माथे मंडना सबसे इजी होता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना होता है। कोई भी गलत काम हुआ, इजीली दूसरे को ब्लेम करना, साहब इनकी वजह से हुआ, कितना इजी होता है। ये कराम जैसे मान लीजिए हमसे पूछा जाए क्यों ऐसा क्यों हुआ, साहब इनकी वजह से, कितना इजी है इनकी वजह से हुआ। और ये कितना डिफिकल्ट है कि ये मेरी खराबी की वजह से हुआ, मैं इसको ध्यान नहीं दे पाया इसलिए मेरी खराब। आपको पता है आचार्य अमरचंद देव क्या कह रहे हैं, आचार्य अमरचंद देव वो कल रिस्पॉन्सिबल वाला, कल मैंने आपको एक प्रकरण भी ये बताया था, हमें आचार्य देव हमें हमारे मोक्ष मार्ग के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, हमारी लगाम कर्मों के हाथों नहीं देना चाहते। देखो इसको, अब देखो ये बात आई है तो इसे एक फिर से भी अपन इसको समझ लेते हैं। अन्य मतावलंबी जो हैं या अन्य दर्शन जो हैं वे तो ईश्वर को कर्ता मानते हैं, ठीक है, और दादा कई बार अपने प्रवचन में भी इस बात को क्लियर भी कर चुके हैं कि हिंदू बोलते हैं कि राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो इस तरीके से हर एक मतावलंबी जो ईश्वर को कर्तावादी मानता है वो एक तथा कथित किसी भी व्यक्ति को सर्वे सर्वा मानता है, और क्या कहता है कि इसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता, जो कुछ भी हो रहा है सब इसकी वजह से हो रहा है, इन्हीं की कृपा है, इन्हीं की कृपा दृष्टि है, और इन्हीं का ही सब कुछ इन्हीं का ही है। तो उसने अपनी लगाम किसके हाथों दे दी,
ईश्वर के हाथों, भगवान के हाथों। हम हमें लगता है कि हम बहुत होशियार हैं, जो कर्म सिद्धांत को सही तरीके से नहीं समझ पाते तो उनको लगता है हम बहुत होशियार हैं, तो वे कहते हैं अरे ईश्वर ईश्वर कुछ नहीं करते। ईश्वर नहीं करते, कौन करता है? कर्म ही करते हैं साहब, कर्म ही जगाते हैं अपने उसमें, समय सार में ये विषय भी है, कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं, सब कुछ कर्म ही करते हैं। आपको पता है ईश्वर कर्तावादी ने अपनी लगाम दी ईश्वर के हाथों, और हमने अपनी लगाम किसके हाथों दे दी? कर्मों के हाथों। बात तो एक ही रही, आधीन तो परद्रव्य के ही हो गए ना, ईश्वर भी परद्रव्य थे और कर्म भी परद्रव्य थे, तो एक जगह तो तुमने ईश्वर के यहां लगाम दी और हमने अपनी कमान कर्म के हाथों दे दी, तो पराधीन तो दोनों में ही हो गए। और आपको पता है उल्लू तो अपन ही हो गए, उल्लू हो गए मतलब बेवकूफी तो हमने कर दी। क्या कर दी हमने बेवकूफी साहब? उन्होंने कम से कम जिसके हाथों लगाम दी है वो कम से कम चेतन तो है, समझदार तो है, सर्वशक्तिमान व्यक्ति तो है, उसके हाथों लगाम दी कि नहीं दी? ईश्वर को हाथों लगाम दी, और हमने अपनी लगाम किसके हाथों दे दी? जड़ अचेतन अन्य द्रव्य के हाथों दे दी। अब वास्तव में इसको कंपैरिजन करके देखें, एक वे ईश्वरवादी हैं और एक जिसने कर्म को ही सर्वे सर्वा मान लिया, वास्तव में देखा जाए तो मेरी नजर में वो ईश्वर कर्तावादी ज्यादा होशियार है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने अपनी लगाम एक सर्वशक्तिमान व्यक्ति के हाथों दी और हमने अपनी लगाम एक जड़ चेतन के हाथ में दे दी। इसलिए ये होशियारी नहीं है, ये बिल्कुल भी इंटेलिजेंसी नहीं है। आपको इसके थोड़ा सा और पीछे भी ले चलूं, ये मैं बातें क्यों कर रहा हूं, ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको पता है न्याय में एक सबसे बड़ी बहस जो होती है, क्या होती है सबसे बड़ी बहस? सबसे बड़ी बहस क्या होती है हमारी? सबसे बड़ी बहस होती है कि साहब एक बात बताओ, इस दुनिया में इतनी सारी वस्तुएं हैं, मैं अपनी क्रमबद्ध पर्याय की क्लास में इसको क्लियर भी कर चुका हूं, तो फर्स्ट ईयर वाले तो इसको जानते होंगे, फिर मैं बाकी सबके लिए कह रहा हूं क्योंकि एक बहुत बड़ी बहस है और इसी से सारे सिद्धांतों का जन्म होता है, तो आपको एक बार ओरिजिन पता चल जाए तो आपको भी मजा आएगा। तो सबसे बड़ी हमारे क्या होता है साहब, एक बात बताओ, इस दुनिया में अनंतानंत पदार्थ है, कोई कमी नहीं है, और अनंतानंत पदार्थ है, उनमें परिणमन भी हो रहा है, वे बदल भी रहे हैं, चेंज भी हो रहे हैं, मैं बदल रहा हूं, आप बदल रहे हो, हम लोग कितने कितने जल्दी बड़े होते चले जा रहे हैं, एक क्लास से दूसरी क्लास में, 17 से 18, 18 से 19, और ये सारी वस्तुओं का परिणमन हो रहा है। ये परिणमन करता कौन है? ये कैसे होता है? सबसे बड़ा मुद्दा है, मतलब आप ऐसे समझिए यहाँ सभी न्याय वाले बैठे हैं, सभी धर्मावलंबी बैठे हैं और उनके जगह हम भी बैठे हैं, तो सब लोग अपना अपना कहते हैं, एक बोलेगा कि राम कर रहे हैं जो हिंदू मतावलंबी है, वे कहेंगे एक हमारे जीसस कर रहे हैं, है ना, जो ईश्वर। ये सबसे बड़ी चर्चा होती है कि इस पूरे जगत का परिणमन कैसे हो रहा है, तो हम भी होशियारी में कह देते हैं कर्म कर रहे हैं, उनने बोला ईश्वर कर रहे हैं, उनने बोला जीसस कर रहे हैं, उनने कहा अल्लाह कर रहे हैं, मतलब सबने एक एक के नाम दे दिए। अब हम तो ये जानते हैं कि जैन धर्म में कर्तावाद स्वीकार नहीं है, ईश्वर का कर्तावादी स्वीकार नहीं है, तो हम भी ताव ताव में आके ओवर स्मार्ट बनकर होशियारी में आके कई बार अपन ये समझ लगते, हाँ साहब हमारी जगह वो कर्मों ने ली है, हम ईश्वर को कर्तावादी नहीं मानते, हमारी वो जगह कर्मों ने ली है। लेकिन आपको पता है हम वही मिसगाइडेड हो जाते हैं, जैन दर्शन ये स्वीकार नहीं करता, जैन दर्शन ईश्वर के कर्तावाद को भी स्वीकार नहीं करता, जैन दर्शन कर्म के कर्तावाद को भी स्वीकार नहीं करता। तो साहब जैन दर्शन क्या कहता है, जैन धर्म क्या कहता है? सचमुच बताऊं क्रमबद्ध पर्याय का जन्म यहीं से होता है, ये है क्रमबद्ध पर्याय। कई लोग कहते हैं ना वस्तु स्वभाव के अनुसार आप क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कीजिए, तो प्रवचन सार में तो की है लेकिन इसके माध्यम से भी अपन समझ सकते हैं। जैन धर्म की यह स्पष्ट मान्यता है कि इस विश्व के जितना भी परिणमन हो रहा है वो स्वयं अपने ही द्वारा हो रहा है और पर्यायों की क्रमबद्धता के माध्यम से हो रहा है। मतलब जैन धर्म का यह कहना है पर्यायों का जो एक प्रवाह है, उस पर्यायों के प्रभाव में हर पर्याय एक समय की है और वह पर्याय को उत्पन्न करने की योग्यता, सामर्थ्य, शक्ति द्रव्य में स्वयं विद्यमान है। जैन धर्म कर्म के हाथों नहीं देता। देखो मैं आपको एग्जाम्पल से भी बोल देता हूं, अगर जैन धर्म के अनुसार देखो मैं इसको और क्लियर कर दूं, हिंदू के सब कुछ नक्की कौन करता है?
मतलब सबके पर्टिकुलर, तो सबके जितने भी ईश्वरकर्तावादी हैं उनका तो कौन नक्की करता है, उनके उनके भगवान, ठीक है। अब हमारा नक्की कौन करता है, अब हमसे जैनों से पूछा जाए आपका क्या मानना है, खड़े होकर बताइए, तो हम कहते हैं साहब हमारे कर्म नक्की करते हैं, हमारे धर्म में तो कर्म नक्की करते हैं। सचमुच विचार करें तो ये बात बिल्कुल गलत सिद्ध होगी कि कर्म नक्की करते हैं। क्यों, कर्म नक्की कैसे करते हैं, क्योंकि खंडित हो जाएगी ये अपनी बात थोड़ी देर में, कैसे खंडित हो जाएगी। जैसे क्रमबद्ध पर्याय में ये स्पष्टतया दिया भी गया है, वहां तो ये लिखा है चंद्रप्रभु भगवान की जयमाला का जो दिया ना, भामंडल की द्वितीय जगमगात भवि देखत निज भव सात सात। कितने भव दिखाई देते हैं भव्य जीवों को, अपने सात भव दिखाई देते हैं, तीन भूतकाल के, एक वर्तमान का और तीन भविष्य संबंधी। अब इसी में ही यहाँ पे आप लोचा हो जाएगा, अगर कर्मों द्वारा नक्की होता है तो तीन भव किसने नक्की किए, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं जिस वर्तमान आयु को हम भोग रहे हैं वह कहलाती है भुज्यमान आयु, और जिस आगामी आयु को हमने बांध लिया है वह कहलाती है बद्यमान आयु। और आयु कर्म कितने भव संबंधी बनता है, एक भव संबंधी ही आयु कर्म बनता है, तो फिर तीन तीन भव कैसे नक्की हो गए, ये तो तीन ही है। आदिनाथ भगवान ने मारीचि को कौन सा तीर्थंकर बताया था, 24वां, उसके बीच उसने कितने जन्म मरण किए, असंख्यात वर्ष के काल में उसने कितनी बार जन्म मरण किया, तो बोलो इतने जन्म मरण कैसे नक्की हुए, कर्मों द्वारा तो इतने नक्की नहीं हो सकते। इसीलिए जैन धर्म ये नहीं मानता कि कर्म नक्की करता है। आपको पता है क्रमबद्ध पर्याय का खंडन करने के लिए लोग इसी बात को कहते हैं, हाँ साहब नक्की तो होता है लेकिन वही जो कर्म करते हैं, तो बोलो अगर कर्मों द्वारा नक्की होता है तो वो तीन तीन भव कैसे नक्की हो जाते हैं, अगर कर्म ही नक्की करते हैं तो वो असंख्यात वर्ष पहले ही वो कैसे नक्की होगा कि मारीचि का जीव तीर्थंकर बनेगा, तो यहां बात खंडित हो जाएगी। इसीलिए जैन धर्म ये नहीं मानता कि कर्म करने वाला है या कर्म नक्की करने वाला है। मैं तो इसको ऐसा कहता हूं कि जैसा होना होता है उसके अनुसार कर्म बनता है। वास्तविक स्थिति तो यह है जैसा कर्म होगा वैसा होगा, ये थोड़ा अटपटा सा है, जबकि जैसा होना होगा उस अनुसार कर्म बंधेगा, और उस अनुसार कर्म ना बंधे तो क्या दिक्कत है, हमारे पास उत्कर्षण भी है, अपकर्षण भी है, संक्रमण भी है, उदीर्णा भी है, तो उनके थ्रू हो के आएगा तो वही होगा, तो वही जिस अनुसार होना होगा। तो कुल मिला के बात इतनी सी है, हम अपनी लगाम किसी अचेतन द्रव्य के हाथों नहीं दे सकते। मैं तो इसे होशियारी नहीं समझता, हमसे अच्छे तो होशियार वे होंगे जो अपनी लगाम ईश्वर को देते हैं, इसीलिए हमारी लगाम हमारे आचार्यों ने अपने हाथों में दी, कोई दूसरा हमें कंट्रोल करे, वो कर्म हमें ऊपर से नचावें और हम नचें, फिर वो हिलावें तो और हम हिलें, जैन धर्म को ये मान्य नहीं है, जैन धर्म इस बात को नहीं मानता, कोई दूसरा मुझे कंट्रोल करे। सचमुच आप लोग भी इस चीज को विचार करके देखना, हम कितना दूसरों के अनुसार होना चाहते हैं, बोलो कोई दूसरा हमें अपने अनुसार चलाना चाहे हमें अच्छा लगता है, हम कोई किसी अपने अनुसार काम कराना चाहे हमें तो हमें अच्छा लगता है, ऐसे ही कर्मों के अनुसार करना और कर्माधीन होना ये अच्छा लगता है। तो इसीलिए हमारे जैन धर्म में ये कहा कि अचेतन जड़ द्रव्य के हाथों हम अपनी लगाम नहीं दे सकते, हमने हमारी लगाम खुद थामी है। इसीलिए आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं कि जीव अपने अपराध का कर्ता स्वयं है, तो क्या करे साहब, मैं अब इसी से ही लोग अब गलत तरीके से, मैं बहुत अपराधी हूं, मुझे पता है मैं तो बहुत पापी हूं, मुझे तो बहुत ऐसा हुआ था, मैंने पूर्व जन्म में तो बहुत पाप किए, और आदिनाथ भगवान की जयमाला, पापी दे सोटन की मार होए भगवान, कभी मैं यहाँ गया कभी मैं वहाँ गया, इन कर्मों ने मुझे ऐसा किया वैसा किया, और कूप कूप कूप, मुझे तो पहले ही पता था कि मैं बहुत पापी हूँ। अरे यहाँ पर हमें अपराध बोध इसलिए कराया जा रहा है ताकि हम अपने अपराध को स्वीकार करके उसका निराकरण करें। अगर कोई गलती मेरे से हुई तो इसको देखो, जैसे कि आपने मेरी कोई गलती बताई कि आपने अभी ये गलत बोल दिया, आप में से किसी ने मुझे बताया कि ये अभी थोड़ी देर आपने ये गलत बोल दिया, हाय राम ये क्या हो गया, मेरे से क्या हो गया, मैंने तो बहुत तैयारी की थी, मैंने तो ये किया था, ये इसका सच्चा वो है कि ठीक है मेरे से इस बार जो गलती हुई इसको करेक्ट करके मैं आगे से नहीं करूंगा।
अगर हमें कोई हमारी अपराध बताता है, अगर कोई हमें हमारी गलती बताता है, तो इसका वास्तविक सॉल्यूशन तो यह है कि हम अपने अपराध को स्वीकार करके आगे नहीं करें। ऐसे ही अगर हमें राग द्वेष का कर्ता बताकर हमारा अपराध बोध किया जा रहा है, इसका मतलब हमें रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है, हमें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जिसके कारण हम आगे वो गलती ना करें। देखिए फिर से मैं पढ़ता हूं आचार्य अमरचंद देव की बात को। इस आत्मा में जो राग द्वेष रूप दोषों की उत्पत्ति होती है, उसमें पर द्रव्य का कोई भी दोष नहीं है। सोचो सोचो, मतलब मुझे अभी ध्यान आया, आपको पता है अगर पर द्रव्य का दोष होता, जैसे मान लीजिए मैं दुखी हूं, ठीक है, और मैं दुखी किसकी वजह से हूं, एक व्यक्ति है, मैं उसकी वजह से दुखी हूं। अब मुझे सुखी होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सुखी करना पड़ेगा, उसको प्रसन्न करना पड़ेगा, तो मुझे उसकी एक पूजन लिखनी पड़ेगी, उसके ऊपर एक विधान लिखना पड़ेगा, फिर उसकी जयमाला लिखनी पड़ेगी, उसकी आरती स्तुति वंदना, उसको प्रसन्न करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो प्रसन्न नहीं होगा तो उसके कारण मैं प्रसन्न नहीं हो पाऊंगा। आया आपको, आया समझ में, लिंक हुआ? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, पर द्रव्य का कोई भी दोष नहीं है। अगर पर द्रव्य के कारण मैं सुखी हूंगा तो ये बहुत पराधीनता है। जैसे अब वो इठे इठे जाए, मैं नहीं होने दूंगा तुम्हें सुखी, और मैं कह रहा हूँ भैया हो जाने दे, थोड़ा सा सुखी हो जाने, नहीं मैं नहीं होने दूंगा तुम्हें सुखी, अब वो नहीं माने तब बोलो क्या करोगे आप? अगर पर द्रव्य के कारण ये जीव दुखी है और पर द्रव्य नहीं चाहे तो कितनी पराधीनता है। साहब मुझे मोक्ष नहीं हो पा रहा, वो मान ही नहीं रहा, अरे मना ले भाई, दे मान जा भाई, देखो रफा दफा कर लो, थोड़ा नेगोशिएट कर लो, मान जाओ भाई, थोड़ा सा तो कर लो, कितनी पराधीनता हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा पूरा जीवन किसको प्रसन्न करने में लग जाएगा, उस दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न करने में लग जाएगा जिसके कारण मैं सुखी हो सकता हूं, फिर मुझे उसकी आरती स्तुति वंदना उसके अनुसार चलना, उसकी सब कुछ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं सुखी हो जाऊं। इसीलिए कोई भी परद्रव्य का दोष नहीं है। इसका मतलब ये कि परद्रव्य में कुछ नहीं करना, परद्रव्य के कारण मैं दुखी नहीं हूं और परद्रव्य के कारण मैं सुखी भी नहीं हो सकता। दोनों ही बातें हैं, पर द्रव्य ना सुख के कारण है न दुख के कारण है। कल भी हमने ये देखा था, आचार्य अमरचंद देव ने ही कहा था कि कोई भी जगत की वस्तु राग द्वेष का कारण नहीं है। किस दृष्टि से देखें? तत्व दृष्टि से देखा जाए, आचार्य अमरचंद देव ने कहा था कि तत्व दृष्टि से देखें तो इस जगत की कोई भी वस्तु राग द्वेष का कारण नहीं है। तत्व दृष्टि से देखें तो इस जगत की कोई भी वस्तु सुख दुख का कारण नहीं है। अगर कोई वस्तु सुख का और कोई वस्तु दुख का कारण हो तो इसमें तो बहुत पराधीनता है। सोचो, मैं आपको इमेजिन, जस्ट एक इमेजिन, आप लोगों को हंसी भी आ सकती है, हंस भी लेना, लेकिन इमेजिन करो अगर कर्मों के अधीन हमारा मोक्ष हो तो भगवान महावीर का अंतिम सीन निर्वाण से पहले कैसा होता है हम देखते हैं। तो भगवान महावीर, मैं आप ही लोगों से पूछता हूँ, आप लोग मुझे जवाब देना, मुझे पता नहीं है, जब भगवान महावीर को निर्वाण हुआ था, संपूर्ण कर्मों का उन्होंने अभाव कर दिया था, तब वे क्या कर रहे थे, क्या किया था उन्होंने, मुझे प्लीज हेल्प कर दीजिए, कोई बताएगा? सौरभ बताओगे क्या कर रहे थे वो? कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ तो कर रहे होंगे, परद्रव्य में कुछ नहीं कर रहे थे, ठीक है, और कुछ कर रहे थे भगवान सोचो अगर कर्माधीन मोक्ष होता तो भगवान महावीर निर्वाण से पहले गौमटसार कर्मकांड पढ़ रहे होते। क्यों साहब, क्यों पढ़ रहे हैं भगवान महावीर? अब कर्मों का अभाव करना है ना, अब एक बार प्रकृति जाननी पड़ेगी, ज्ञानावरण की मति ज्ञानावरण का अभाव, अच्छा मति ज्ञानावरण शुद्ध एक एक दबाते जा रहे हैं और अभाव होता चला जा रहा है। अब बस मेरे चार घातिया कर्मों का तो अभाव हो गया, अब कितनी बाकी है, अब बस अघातिया बाकी है, मैं जल्दी से पढ़ लूं, कितनी कितनी है? नाम कर्म की तो याद 93 है, मुझे याद नहीं हो पा रही है, जल्दी से मैं याद कर लूं ना, फिर इनका अभाव करूंगा। तो सोचो वो गौमटसार कर, देखो मैं इसीलिए बोला था, इसमें आप लोग को मजाक लग रहा है लेकिन इसमें वस्तु स्वरूप है। अगर कर्माधीन मोक्ष होता तो भगवान महावीर, और भगवान महावीर क्यों, हमारे सारे के सारे तीर्थंकर कर्मों के बारे में पढ़ रहे होते कि कर्मों का कैसा, अब उदीर्णा करनी है, अब उदय करना, इस गुणस्थान में कितने कर्म है, कितनी बंध विच्छुत्ति हो गई, अरे कितना उदय आ रहा है, अरे मेरे तो अभी वो पढ़ा है, अभी तो मुझे केवली शब्दघात करना है। सोचो कितना सब कुछ होता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं सोचना पड़ता। रन सोचो तो जब अल्पवीर के धनी होते हैं तब चार घातीय कर्मों का अभाव हो जाता है, ध्यान देना कुछ कह रहा हूं, जब अल्पवीर के धनी होते हैं 12वें गुणस्थान में होते हैं तब उन्हें अनंत वीर तो होता नहीं है, 13वें गुणस्थान में आकर उनको अनंत वीर होता है, जब अल्पवीर के धनी होते हैं तब जाकर उनको चार घातियों का अभाव हो गया,
और जब अनंत वीर के धनी हो गए तो, जब अनंत वीर के धनी हो गए तो अघातिया तुमको ऐसे करके नष्ट कर देना चाहिए था। तो बोलो वो अघातिया भी भगवान महावीर के करने के अनुसार होते हैं कि अपने अनुसार होते हैं? कितना स्पष्ट है ये। जब अल्प वीर के थे तब घातियों का नाश नहीं किया, जब अनंत वीर के धनी हो गए तो अघातियों का नाश नहीं किया। तो साहब हमारे ग्रंथों में लिखा है, तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने कहा ये निमित्त नैमित्तिक कथन है, ये निमित्त नैमित्तिक कथन है, कर्ता कर्म कथन, कर्ता कर्म संबंध नहीं है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अगर कर्मों को पढ़ने से, कर्मों को बार बार, दादा ने मुझे ध्यान है जो दादा प्रवचन सार का यहाँ पे प्रवचन कर रहे थे पिछले साल, तो उन्होंने बताया था कि साइकिल कैसे चलाई जाती है ये कर्म सिद्धांत को बताते हुए। तो साहब आप लोग, आप अभी खूब मजाक उड़ा रहे हो कि भगवान महावीर कर्मकांड नहीं पढ़ रहे थे, ऐसे नहीं कर रहे थे, तो क्या कर उनके कर्मों का अभाव नहीं हुआ था है? उनको वो सब नहीं होता जो हमारे शास्त्रों में लिखा है, और आप तो ऐसे कर रहे हो, ऐसे मजाक, ऐसे थोड़ा ना करना चाहिए। कितना अच्छा उदाहरण दिया था पिछले साल दादा ने, साइकिल चलाते हैं ना, है ना, साइकिल का उदाहरण दिया था, साइकिल चलाने का उदाहरण दिया था। तो साइकिल चलाते वक्त हमारी दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, कहाँ दृष्टि होनी चाहिए, पैडल पर होनी चाहिए कि सामने होनी चाहिए? लेकिन अगर नए नए साइकिल सीखते हैं, जब मैंने भी साइकिल सीखी थी और आप लोगों ने भी जब साइकिल सीखी होगी, तो हमारी दृष्टि सबसे ज़्यादा कहाँ होती थी, पैडल पे होती थी कि नहीं होती थी? सबसे ज़्यादा दृष्टि पैडल पे, और आगे नहीं देखते उस हो जाने वाला कल्याणम, हो जाने, नहीं कल्याणम तो नहीं, वो तो अलग होता है, आज सुबह भी हमने कल्याणम का अर्थ देखा, तो फिर तो हमारा एक्सीडेंट हो जाने वाला है। अगर हम पैडल की ओर देखेंगे और हमारी दृष्टि पैडल की ओर होगी तो हम सामने नहीं, तो फिर हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा। दृष्टि हमें सामने रखी है तो पैडल नहीं घुमाने, बोलो। अब वही कोई प्रश्न करे तो क्या पैडल नहीं घूमेंगे, पैडल घूमेंगे, बिना पैडल घूमे साइकिल चल ही नहीं सकती, लेकिन पैडल की ओर दृष्टि नहीं करनी है। अब ऐसी यही बात डिट्टो कर्म पे लागू करनी है, तो क्या कर्मों का अभाव नहीं होता, कर्मों की बंद विच्छुति नहीं होती, ऐसा ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता, तो भगवान महावीर के कर्मों का अभाव नहीं हुआ था? अरे सब हुआ था, लेकिन उनकी उस ओर दृष्टि नहीं थी, सारा काम हो रहा था, दृष्टि तो उनकी सिर्फ एक जगह थी, सिर्फ आत्म स्वभाव के सन्मुख थी, ध्यान उपयोग एकाग्रता सिर्फ अंदर की ओर था, वो काम अपने आप होता चला जा रहा था, जैसे अपन साइकिल चलाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देखा कि परद्रव्य का रंच मात्र भी दोष नहीं है, अपराध तो मात्र जीव का है, ये समय सार के 220 कलश में आचार्य अमरचंद देव ने कहा। अब 227 कलश के माध्यम से देखते हैं कि आचार्य अमरचंद देव क्या कहते हैं। मैं पढ़ता हूं यहां से, यहां पॉइंट नंबर है पांचवा। जो राग की उत्पत्ति में पर द्रव्य का ही निमित्तत्व मानते हैं, अपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानते, वे जिनकी बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित अंध है, ऐसे मोह नदी को पार नहीं कर सकते। देखिए आचार्य अमरचंद देव क्या कह रहे हैं, जो राग की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्तत्व मानते हैं, परद्रव्य का ही निमित्तत्व मानते हैं, देखो पर इसको मैं क्लियर कर दूं, परद्रव्य का निमित्त माने में कोई दोष नहीं है। अगर हम परद्रव्य के निमित्त को भी स्वीकार नहीं करेंगे तो पांच समवाय में से हमने एक समवाय को निग्लेक्ट कर दिया, यह आप समझना। परद्रव्य का निमित्त मानने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन परद्रव्य को निमित्त मानना और उस निमित्त को कर्ता मानना यह बुराई है। आपको पता है जो राग की उत्पत्ति में परद्रव्य का निमित्त मान रहे हैं, तो परद्रव्य का निमित्त मान रहे हैं, तो परद्रव्य का निमित्त मानने में बुराई नहीं है, उस परद्रव्य जो निमित्त है उसको कर्ता मान रहे हैं, बुराई इसमें है। मुझे पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं समझा पाया, इसलिए तीसरी बार फिर से रिपीट करता हूं। देखो फिर से मैं पढ़ के उसको समझाता हूं। जो राग की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्तत्व मानते हैं, परद्रव्य का ही निमित्तत्व मानते हैं, तो परद्रव्य का ही निमित्तत्व मानते, देखो इससे इससे इसका साउंड क्या निकल रहा है, इससे समझ क्या आ रहा है, मतलब एक तो ये समझ में आ रहा है कि मात्र निमित्त को ही मान रहे हैं, ठीक है, स्वयं के जो अशुद्ध उपादानगत योग्यता के कारण ये हुआ उसको नहीं मान रहे हैं। तो मतलब
कारण कार्य जो हुआ वो निमित्त और उपादान दोनों के से होता है। तो जो सिर्फ निमित्त को ही मान रहे हैं और उपादान को नहीं मान रहे, पहला साउंड तो इसमें से ये निकला। दूसरा अर्थ इसमें से ये निकलता है, जो निमित्त को तो मान रहे हैं और निमित्त को ही मान रहे हैं और निमित्त को ही कर्ता मान रहे हैं, तो गलती यहाँ पर है। निमित्त को मानने में कोई गलती नहीं है, ये आप हमें भी समझना चाहिए। कर्म का अस्तित्व मानने में, कर्म का उदय मानने में, कर्म का उपशम आदि कोई भी अवस्था मानने में कोई अपराध नहीं है। तो अपराध किस में है? उसको कर्ता मानने में है। इसीलिए परद्रव्य का निमित्त तो है, क्योंकि पांच समवाय में से एक निमित्त नाम का भी समवाय है। अगर निमित्त को हम उठाने की और नेग्लेक्ट करने की और उसको हटाने की, उसको नाक बोझ सिकोड़ करके स्वीकार करने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब हमें पंच समवायों का स्वरूप ख्याल में नहीं है। अगर निमित्त को उड़ाते हैं तो हमने एक समवाय को उड़ाया है ना, और फिर मैं शुभम की तरह कहूंगा, फिर वो एक समवाय को उड़ाया फिर बाकी अन्य समवाय भी कैसे रहेगा? अभी थोड़ी देर पहले उसने समझाया था ना कि एक द्रव्य नहीं रहेगा तो फिर बाकी के द्रव्य भी कैसे रहेंगे। ऐसे ही फिर अगर निमित्त नहीं रहा तो बाकी अन्य समवाय भी नहीं रहे। तो इसीलिए यहां हमें समझना चाहिए, परद्रव्य का निमित्त तो मानते हैं, मतलब परद्रव्य के ही गलती मानते हैं। देखो, जो राग की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्तत्व मानते हैं, क्यों साहब, क्यों क्यों हुआ हमें ये क्रोध, क्या करें साहब हमारा ये दादा वो उदाहरण देते, कई बार अपन प्रवचन में भी देते हैं, क्यों साहब आपको नींद क्यों आ गई प्रवचन में? तो सबसे इजिएस्ट लोगों के पास क्या होता है कहने के लिए, हमारा कौन से कर्म का उदय आ गया, क्या करें साहब हमारे दर्शनावरणी कर्म का उदय आ गया है ना। और फिर लोगों को लगता है अरे मुझे तो लग रहा है मैं अभव्य हूँ, पता नहीं क्यों मुझे नींद आ जाती है, सीरियल देखते वक्त तो नहीं आती है लेकिन अभी आ रही है, इसका मतलब मैं अभव्य हूँ, मुझे जिनवाणी समझ में नहीं आ रही। तो कितना इजी होता है, देखो तो मुझे नींद क्यों आ गई, ये कितना ईजी है कि कर्मों के कारण आ गई, और ये कितना डिफिकल्ट है कि मेरी असावधानता और प्रमाद के कारण मुझे नींद आई। बहुत ईजी, देखो मुझे नींद आ गई मेरे प्रमाद के कारण, मुझे नींद आई मेरी असावधानी के कारण, ये स्वीकार करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं इसी बात को कल भी मैंने वचन दिया था, आज फिर से रिपीट कर देता हूँ, अपनी गलती स्वीकार करना वर्ल्ड की सबसे बड़ी वो है एक्सेप्ट करने वाली बात, और सबसे इजीएस्ट दूसरे पे इंजाम डालना, इनकी वजह से खराब हो गया, कर्मों के कारण हो गया। तो देखिए, जो राग की उत्पत्ति में परद्रव्य का ही निमित्तत्व मानते हैं, देखो ही जोड़ दिया ना, तो मात्र परद्रव्य का ही, अपना कुछ नहीं मानते, देखो अपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानते, अपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानते, मतलब अपनी उपादान को नहीं मानते। निमित्त उपादान संबंधी भूल भी है इसमें, मतलब निमित्त को ही कर्ता मानते हैं और अपने उपादान गति योग्यता को नहीं मानते, अपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानते वे, जिनकी बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित है, उनकी बुद्धि खराब है। आचार्य अमरचंद देव कह रहे हैं क्यों बुद्धि खराब क्यों है, क्योंकि वह बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित है। कल तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि जिसके तत्व दृष्टि हो उसको ऐसा दिखेगा, और यहां तो स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति अंधे हैं। खूब वो आजकल अपने साइंटिस्ट हो गए ना, वैज्ञानिक, खूब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, यहाँ से आप देखेंगे तो खूब अंतरिक्ष का भी दिखेगा और यहाँ का भी दिखेगा, वहां का भी दिखेगा। आचार्य अमरचंद देव कह रहे हैं वे क्या हैं, जो यहाँ वहां का देख रहे हैं ना, खूब लंबी लंबी दृष्टि दौड़ा रहे हैं, आचार्य अमरचंद देव कह रहे हैं कि वे भी अंधे हैं। क्यों साहब अंधे हैं? अंधे हैं, उनकी दृष्टि नहीं है। कौन सी दृष्टि नहीं है? जो जिस दृष्टि के बारे में अपन ने कल चर्चा की थी, वो तत्व दृष्टि नहीं है, और तत्व दृष्टि नहीं है तो वो बात हमें समझ में नहीं आ सकती। ऐसे मोह नदी को पार नहीं कर सकते, ऐसे व्यक्ति मोह नदी को पार नहीं कर सकते। आप खुद सोचिए, सामने नदी हो और नदी से अपन डरे, पार कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति? डरने वाला व्यक्ति कभी पार नहीं करेगा, वो तो थोड़ी सी भी लहर आ जाएगी तो भी कहेगा ए मैं तो डूब गया, मैं तो मर गया, अब तो मैं तो गया। तो वो तो सचमुच ऐसा होता है, मैंने आज ही ऐसा पढ़ा है, हमारी मेंटेलिटी का हमारे ऊपर कितना प्रभाव पड़ता है। मैं आपको एक बताऊं, आज ही मैंने किसी पत्रिका में पढ़ा, एक जल्दी से बता देता हूं, एक व्यक्ति था वो रेफ्रिजरेटर में बंद हो गया, पता नहीं किसी भी कारण से जो भी हुआ हो, रेफ्रिजरेटर में बंद हो गया, और वो सोचता रहा मैं कल का सूरज नहीं देख पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा, यहाँ तो बहुत ठंडी है, यहाँ तो बहुत ठंडी है, फ्रिज में तो बहुत ठंडी है। वो सुबह मर गया, और सच बात तो ये थी कि वो फ्रिज ऑन ही नहीं था,
ये पता नहीं जो भी हो कैसा भी हो, लेकिन ये मैंने आज पढ़ा, तो हमारी सोच का कितना प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही जो नदी को पार करने से पहले ही डरेगा, साहब करम बहुत बलवान है, इतने इतने कई लोग होते हैं ना, इसको सैड सैड में साहब अनादि से, मैं तो वो कर भी नहीं पाऊंगा, मतलब जिस तरीके से अनादि से हैं भैया, इतने इजी नहीं जाने वाले, रो रो के बहुत अनादि से हैं। आदरणीय भाई साहब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं समय सार को पढ़ाते वक्त। किसी भी कमरे में 15 साल से अंधेरा हो, है ना, उस अंधेरा को दूर करने के लिए कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, है ना, 15 साल का अंधेरा है। अच्छा 15 साल का नहीं, वो कमरा कभी तक खुला ही ना हो तो कितना कितना समय लगेगा। किसी भी कमरे में बहुत बहुत सालों से अंधकार हो और बहुत बहुत सालों से अंधकार होने के बावजूद भी उसमें प्रकाश होने में कितना समय लगता है, बिल्कुल भी समय नहीं लगता। जो ही हमने लाइट बल्ब तुरंत एक स्विच ऑन किया वैसे ही प्रकाश हो गया। वो प्रकाश ये नहीं सोचता कि अंधेरा तो इतने साल का है, अब कैसे करूं, थोड़ा और बिजली दो, थोड़ा अच्छी CFL लाओ, CFL हटा के LED लगा लो तो फिर कुछ काम हो सके, वो कुछ नहीं सोचता। ऐसे ही फिर हम ये क्यों सोचते हैं साहब अनादि से कर्म है, मोहनीय की तो उत्कृष्ट स्थिति 70 कोड़ा कोड़ी है, आप क्या जानो इस बात को, तो अनादि के कर्म है, बहुत रखेड़ा नित्य निगोद में गए। अरे हम कहां से आए हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें कहां जाना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम कहां से आए हैं, क्या हमारी पर्याय हुई, वो तो सब भूतकाल है ना, तो भूतकाल को तो भूल जाओ। हमें कहां जाना है और क्या करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अनादि काल से जो हमारे साथ हुआ वो मुझे स्वीकार है, हमने बहुत डंडे खाए नरक में ये भी स्वीकार है, हम बहुत बहुत हीन पर्यायों से आए हैं हमें ये भी स्वीकार है, लेकिन अब इसकी वजह से रोते रहना ये स्वीकार नहीं है। अनादि काल से कर्म का उदय रहा है ये स्वीकार है, कर्म के अधीन हम अनादि काल से होते आ रहे हैं ये भी स्वीकार है, लेकिन हमें अब कर्माधीन होना स्वीकार नहीं है। बात तो बस इतनी सी है। तो इस प्रकार से अपना समय भी यहाँ हो चला है। तो समय सार के कलश 227 में आचार्य रमणाचंद देव ने यह कहा, मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ फिर अपन समाप्त करेंगे। जो राग की उत्पत्ति में पर द्रव्य का ही निमित्तत्व मानते हैं और अपना कुछ नहीं मान, अपना कुछ भी कारणत्व नहीं मानते, वे जिनकी बुद्धि शुद्ध ज्ञान से रहित है अंध हैं, अंधे हैं, उन्हें अपनी गलती नहीं दिखाई दे रही इसलिए वे अंधे हैं, ऐसे मोह नदी को पार नहीं कर सकते। क्योंकि जो नदी में पार करने से पहले ही डर रहा हो, ऐसे मोह भी तो एक कर्म है, तो उस कर्मों से पहले ही डर रहा हो तो ऐसा व्यक्ति नदी को पार कैसे कर सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जीव ही बलवान है कर्म नहीं, इस बात को समझाने के लिए आज हमने यहाँ पर 5वां बिंदु देखा। शेष चर्चा अपन फिर क्लास में होगी हमारी।